आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि भाजपा शासित निगम को खारिज करनी चाहिए और निगम में नई सरकार आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली नगर निगम में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया गया है, इसलिए निगम सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और जो साफ सुथरी सरकार को उसका लाना चाहिए। निगम में आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक ने लगाए आरोप, कहा भाजपा के नेता निगम में बैठ कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम में भाजपा की सत्ता है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि दिल्ली सरकार निगम कर्मचारियों को परेशान कर रही है, उनका पैसा नहीं दे रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाए जाते हैं कि निगम में भाजपा का नेता बैठे है और निगम में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसी को लेकर आज प्रेस क्लब की गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिसमें आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक ने और आम आदमी पार्टी के नेता विपक्ष ने कहा कि भाजपा के नेता निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर बैठे हैं, इसलिए निगम को बर्खास्त कर देना चाहिए और नई सरकार को लाना चाहिए जो साफ छवि है जिसकी और जो निगम में काम करे और निगम कर्मचारियों का ध्यान करे ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो और निगम की शान बनी रहे। स्पीड न्यूज 17 के लिए मोहम्मद अफरीदी इदरीसी की रिपोर्ट, कैमरामैन मोहम्मद इरदास के दिल्ली से। आज भारतीय जनता पार्टी एक संवेदनहीन, भ्रष्ट और बहुत ही अलोकप्रिय सरकार चला रही है एनसीडी के अंदर। और जैसा कि आपने तीनों हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को सुना, यही लगभग पूरी दिल्ली की यह भावना है कि इस एमसीडी को खत्म किया जाए, क्योंकि दिल्ली वाले झेलते झेलते परेशान हो चुके हैं। कोरोना काल में उन्होंने झेला, सफाई नहीं हो रही है ये झेल रहे हैं, कर्मचारी हड़ताल पे चले जाते हैं ये झेल रहे हैं। इसलिए इस पूरी की पूरी सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, इस पूरी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। इस पूरी की पूरी एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन का कोई मतलब नहीं बनता, इन्हें पूरी तरह से बर्खास्त कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? जी, दो प्रश्न हैं अलग अलग, अगर आप कहें तो। सर, सवाल यह है कि आप लोगों ने इंडस्ट्री खोल दी लेकिन रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा, यही हाल कंस्ट्रक्शन का है, बाजार बंद है, उनको भी रॉ मटेरियल के लिए बड़ी दिक्कत आ रही है, ये तालमेल कुछ समझ नहीं आया। देखिए, बहुत दिक्कत आ रही है और जो आपने बताया वो बिल्कुल सही स्थिति है अभी। और जब तक धीरे धीरे फेज वाइज मैनर में जब तक पूरी दिल्ली खुल नहीं जाएगी, हम आशा करते हैं कि अगली जो मीटिंग है डीएमए की, डीडीएमए की, उसके अंदर इन सारी स्थितियों के ऊपर ख्याल रखेंगे एलजी साहब और जो सरकार के और प्रतिनिधि हैं। और जल्द से जल्द ये देखते हुए कि कोरोना की स्थिति देखते हुए जल्द से जल्द दिल्ली को अनलॉक किया जाए, जिससे जो नॉर्मल जिंदगी है वो पटरी पे आ जाती है। सर, एक और सवाल, घर घर शराब वाली बात, जो ऐप के जरिए शराब अब दिल्ली सरकार घर घर भेज सकती है, उसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाने लगे हैं कि शराब माफियाओं के साथ सरकार की मिलीभगत हो गई, इसलिए ये कदम उठाए। इसके बारे में डिटेल आपको रिस्पॉन्स सरकार की तरफ से ही आएगा, मैंने उसके बारे में किया। बीजेपी और कांग्रेस की, दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार उसके बारे में डिटेल सरकार आपको रिपोर्ट बता देगी। लेकिन मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि जब से सरकार ने नई आबकारी नीति की बात करनी शुरू की है, बीजेपी तड़फड़ा रही है पूरी तरह से। ऐसा लगता है बीजेपी की जान निकली जा रही है। हर दिन मैं देखता हूँ बीजेपी के नेता आके ऐसे घड़ियाली आंसू रोते रहते हैं, जैसे लगता है कि उनका स्टेक खत्म हो रहा है इस आबकारी नीति से। तो मुझे बड़ा सुकून होता है कि आबकारी नीति अच्छी बन रही है, क्योंकि अगर अच्छी नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी इतनी परेशान नहीं होती। तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की, जैसे उन्होंने एमसीडी में पूरा का पूरा माफिया का सिस्टम बनाया था, ऐसे लगता है आबकारी नीति में भी उनके माफिया थे। और जब वो माफिया खत्म हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े परेशान हो रहे हैं। तो ये जो परेशानी है उनकी, मैं हर तीसरे दिन देखता हूँ कोई ना कोई उनका नेता आके बोलने लग जाता है, एक्चुअली ये परेशानी वहीं से आ रही है। अच्छा दुर्गे जी, एक सवाल स्कूलों को लेकर है। कल कोर्ट ने जिस पर रोक लगाई थी दिल्ली सरकार ने कि जो एनुअल चार्ज और डेवलपमेंट फीस जो ले रहे थे प्राइवेट स्कूल वाले, नहीं ले सकेंगे, लेकिन अब कोर्ट ने कह दिया कि ले सकेंगे, तो उस पैसे को कैसे? उस पे सरकार ही आपको डिटेल उसमें जाएगी। मेरा ख्याल है कि सरकार उसके ऊपर नियम बना रही होगी, कुछ ना कुछ जरूर सोचा होगा हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने, उसके बारे में वो डिटेल आपको रिप्लाई देंगे। माननीय उच्च न्यायालय ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की
एमसीडी के ऊपर एक बहुत ही कड़ा फैसला सुनाया है। पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में शासित है। पिछले 15 सालों में दिल्ली की एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और ये फैसला उनके 15 साल के कार्यकाल के ऊपर ये फैसला है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण ये चीज होगा कि कोई पार्टी पिछले 15 साल से एक सरकार चला रही हो, एमसीडी की सरकार चला रही हो और अपने कर्मचारियों को वेतन ना दे सके। मुझे नहीं लगता कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कभी भी हो सकती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है। कल माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत कड़ा फैसला लेते हुए ये कहा कि कर्मचारियों का हक बनता है वेतन देना। इससे पहले उन्होंने कहा था कि चाहे जैसे पैसा लेके आइए, पैसा लाके दीजिए और कर्मचारियों का वेतन दीजिए। कल की तारीख पर कोर्ट ने यह कहा कि ये वेतन देना कर्मचारियों का मूल अधिकार है, आप इसको छीन नहीं सकते। और मुझे लगता है कि शायद इतना कड़ा फैसला इन दिनों में शायद ही किसी कोर्ट ने सुनाया हो। और कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि एमसीडी अपने प्रॉपर्टीज की कॉपी कोर्ट को सम्मिलित जमा करे और कोर्ट उन प्रॉपर्टीज को नीलाम करेगी और नीलाम करके कर्मचारियों को वेतन देगी। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा, किसी भी सरकार के लिए होगा। ये तो शर्म से डूब मरने वाली स्थिति है। आज बीजेपी के नेताओं के भ्रष्टाचार की कीमत दिल्ली की एमसीडी के कर्मचारी उठा रहे हैं। आज दिल्ली के कर्मचारी दर दर भटक रहे हैं, उनकी स्थिति खराब है। सिर्फ एक ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग करप्ट हैं और एमसीडी को सही से चला नहीं पा रहे, एमसीडी को चूसने में लगे हुए पूरी तरह से। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यह बहुत ही पीड़ा का भी इशू है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एमसीडी के प्रॉपर्टीज को बेचकर एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाएगी। प्रॉपर्टियां तो नियमित है, कुछ ही है। कितनी बार बेचेंगे? एक बार बेचेंगे, दो बार बेचेंगे, तीन बार बेचेंगे? होगा क्या कि 2-4 साल में सारी प्रॉपर्टियां बिक जाएंगी एमसीडी की, लेकिन ये इसका कोई एक परमानेंट सलूशन नहीं होगा। इसका परमानेंट सलूशन ये है कि इस एमसीडी को भंग किया जाए, भारतीय जनता पार्टी को बर्खास्त किया जाए इस एमसीडी से। ये इसका परमानेंट सलूशन है। आम आदमी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से यह मांग करती है कि एमसीडी को भंग किया जाए, फ्रेश इलेक्शन हो, दिल्ली की जनता एक नई सरकार एमसीडी के अंदर भेजे, वही सरकार इस समस्या का निदान कर सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेता अगले 8 से 9 महीने में इस एमसीडी को और लूटेंगे, और चूसेंगे और बेचने पे लग जाएंगे। प्रॉपर्टियां इन्होंने पहले से बेचनी शुरू कर दी है, तनख्वाह पहले से खाना शुरू कर दिया है, सफाई पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। आज एमसीडी का एक एक कोना, एक एक डिपार्टमेंट बेचने की तैयारी में है ये पूरी तरह से। इनको 8 से 9 महीने का मौका नहीं मिलना चाहिए। इस एमसीडी को बर्खास्त करना चाहिए, इस एमसीडी को खत्म करना चाहिए और एक फ्रेश इलेक्शन हो, एक नया चुनाव हो और उस चुनाव में दिल्ली की जनता तय करेगी कि इस एमसीडी को किसके हाथ में देना है, इस एमसीडी को किसको चलाना है। हमारे साथ तीनों लीडर ऑफ अपोजिशन है। मैं चाहूंगा कि वो भी एक एक करके अपने जोन की जो दिक्कत है अपने एमसीडी के अंदर जो है उसके बारे में बताएं। पहले साउथ एमसीडी के प्रेम चौहान जी। नमस्कार साथियों। साथियों, 15 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने आज एमसीडी को इस स्थिति में ला दिया है कि कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही, जो हमारे कर्मचारी रिटायर्ड है उनको पेंशन नहीं मिल पा रही,
जब कर्मचारी रिटायर होता है उसको जो अपने पीएफ का पैसा मिलना चाहिए वो पैसा उसको 5-5, 10-10 साल तक नहीं मिल पा रहा। कर्मचारियों को जो रिटायर हो जाते हैं वो कैशलेस इलाज चाहिए, वो इलाज नहीं मिल पा रहा। यहाँ तक कि बच्चों को स्कूल में किताबें नहीं मिल पा रही। आप डेंगू का सीजन चल रहा है, एंटी लार्वा दवाइयों का छिड़काव होना चाहिए, वो दवाइयाँ यहाँ की नहीं छिड़क रहे। जो ठेकेदार एनसीडी में काम करते हैं उनको 2015 मतलब 6 साल से उनकी पेमेंट नहीं हुई। इस स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को लाकर खड़ा कर दिया है कि पूरी तरह से एमसीडी को बिल्कुल दिवालियापन के आधार पर लाके खड़ा कर दिया। और पिछले एक साल में ऐसा नहीं है, कोर्ट ने तो अभी कहा पिछले एक साल में भारतीय जनता पार्टी कई प्रॉपर्टी बेच भी चुकी है, पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताया भी। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा जो उनकी नीयत दिख रही है, जाते जाते नीयत दिख रही है कि जो बची खुशी प्रॉपर्टी वो भी सारी बेच के और अपने जेब भर के चली गई। मेरी जब भी किसी पार्षद से बात होती है, अधिकारियों से बात होती है, चाहे ए ग्रेड के अधिकारी हो चाहे डी ग्रेड के कर्मचारी हो, तो सबका मानना अब एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी नहीं चला सकती। ये जो नेता सत्ता में बैठे हैं इनके बस का नहीं है एमसीडी चलाना, क्योंकि इनको भ्रष्टाचार की ऐसी लत लग चुकी है, पूरी एमसीडी में इन्होंने भ्रष्टाचार को कैंसर की तरह फैला दिया है। अगर इस भ्रष्टाचार को रोक कर और एमसीडी को एक अच्छे से चलाना है तो बहुत जरूरी है कि तुरंत एमसीडी को बर्खास्त किया जाए और नए चुनाव कराए जाए। धन्यवाद सर।